भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की काया अब पलटने वाली है, क्योंकि अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन की कवायद शुरू होने की अटकलें लगने लगी हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बैठक भी की है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि मिशन कश्मीर अब उनका खास टारगेट है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 111 विधानसभा सीटें हैं, फिलहाल 87 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। इसकी वजह यह है कि संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक 24 सीटें खाली रखी जाती हैं। दरअसल खाली 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ी गई थीं। अब स्थानीय बीजेपी नेता चाहते हैं कि परिसीमन किया जाए और ये खाली 24 सीटें जम्मू क्षेत्र के खाते में जोड़ दी जाएं, जिससे उसे फायदा हो, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ कुल 37 में से 25 सीटें जीती थी। ऐसे में 24 सीटें जम्मू के खाते में जोड़ दी जाएं तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। वहीं स्थानीय बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में परिसीमन चाहते हैं। इसके लिए वो राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग उठा चुके हैं ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ न्याय हो। इन अटकलों से न केवल सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, बल्कि पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने विरोध भी शुरू कर दिया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती को डर है कि अगर जम्मू कश्मीर का परिसमन हुआ तो उनकी वो राजनीति खत्म हो जाएगी जो सिर्फ कश्मीर पट्टे की हुई है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, जिसके अनुसार हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य में 2002 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रतिनिधित्व कानून 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था। देश के अन्य राज्यों में 2002 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो चुका है, मगर जम्मू कश्मीर से अछूता है। लेकिन अब अमित शाह जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। तब तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था। ऐसे में राज्य में सीटों का परिसीमन 2005 में होना था, मगर जो 2005 में नहीं हुआ वो अब होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। और आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।